दूरदराज इलाके में रहने वाले लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश में फौज ने गंदो भलीसा के चनवारी पंचायत में एक मेडिकल कैंप के साथ साथ वेटरनरी कैंप का भी एहतमाम किया। मुकामी लोगों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद ने कैंप में शिरकत की। आर्मी डॉक्टरों और नर्सिंग असिस्टेंट ने दूरदराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तमाम मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर परवेज और अमले ने फौजी डॉक्टर डॉक्टर पठानिया के साथ अनथक मेहनत की और जरूरी मदद फराहम की। मेडिकल कैंप को मुकामी लोगों और आसपास के देहात के तकरीबन 600 अफराद का जबरदस्त रद्द अमल देखने को मिला। आर्मी ने यहाँ कैंप लगाया, मेडिकल कैंप और वेटनरी का भी लगाया, तो ये दोनों कैंप यहाँ लगाए। हमारा बहुत दूर दराज एरिया है, यहाँ पर फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इस किस्म के कैंप्स यहाँ लगाएं और हमारे गरीब लोग जो हैं यहाँ से अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ उनका सही ढंग से इलाज, वो फिलहाल तो गरीब लोग जो हैं इतनी दूर नहीं पहुँच पाते हैं। कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरे देश को संभाल रही है, और साथ में आप देखो कि हर गांव में आके पूरे हमारे पास इधर चौरी पंचायत में आके पूरा इलाका जो तोता यहाँ पे आया हुआ है और वहाँ पे फ्री दवाइयाँ जो है वो दिए जा रही हैं। और मैं पूरा इलाका इन आर्मी वालों का, इंडियन आर्मी वालों का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में वेटनरी वालों का भी धन्यवाद करता हूँ। पूरा दूर दूर तक हमें यहाँ पे आर्मी के कैंप आते हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा ये फायदा हो रहा है। तो हम पहले तो ये आर्मी पहले बॉर्डर्स पे होते थे, बट अभी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं इतने दूर दूर तक। हम इनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करेंगे, और हमें इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इन्हें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देख सकते हो आप, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो ऑफकोर्स